is it the truth? Hey guys, welcome back to the channel. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. कल मैंने बताया था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट जब मैं सुबह आज उठी ना, मतलब थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी. सारा घर का काम हो गया, क्लीनिंग वगैरह, पौधों में पानी देना, क्योंकि कल इवनिंग को मैंने दिया नहीं था. एंड देन बर्तन वगैरह रख के सब कुछ हो गया है रेडी. खाना बनाने का आज कोई भी झंझट नहीं है. ये कल जो आए थे ना जीत के कलीग, तो मेरे जो आंटी जी के आए थे ना, तो वो राजमा चावल बना के लेके आए थे. तो चावल तो हो गया था खत्म, थोड़ा सा ही बाकी है. राजमा पूरा रखा हुआ था, तो राजमा मैंने गर्म कर लिया है, चावल बस बना लिया है. तो ये हो जाएगा लंच. एंड बाकी जो होता है ना हमारे यहाँ पे कि किसी के घर में खाली बर्तन वापस नहीं देते हैं, कि अगर आपने कुछ दिया है उस किसी बर्तन में, तो बर्तन जब वापस करते हैं तो खाली बर्तन नहीं देते. कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, नमकीन हो, कुछ भी बना के ऐसे डाल देते हैं. तो कल जब हमने प्रसाद वगैरह ये सब दिया था पड़ोसी में ना, तो हमारे नेबर्स वगैरह में, तो फिर उन्होंने सुबह सुबह फिर वापस दिया है. तो सामने वाले एक आंटी जी रहते हैं, तो उन्होंने दही बड़ा बना के भेजा है इतना सारा. तो ये भी फिर खाना है, तो लंच वगैरह में ये भी हो जाएगा. एंड उनके बाजू में एक तमिलियन है, तो वहाँ उन्होंने भी भेजा है फिर वड़ा एंड समोसा बना के भेजा है. तो वड़ा समोसा तो मैंने रख दिया, मगर आप तो कुछ आज एक आलू की सब्जी बना लूंगी तो हमारा डिनर हो जाएगा. तो ऐसे ही आज पूरा ऐसे ही नेबर से जो खाना आया है उसी से हमारा हो जाएगा. कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है. होता ना, अच्छा लगता ना इंडिया जैसा. कभी कभी ऐसे त्योहारों के सीजन में कोई आपके घर में कुछ देता है, आप कुछ बनाते हो, उनके घर में देता, तो अच्छा लगता है ना. तो बस यही है. एंड ब्लॉग आज मैंने इसीलिए भी बनाया है कि मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है. एक्चुअली धनतेरस वाले दिन मैंने जो बताया था ना कि हम लोग एक घर देखने गए थे, घर तो मैंने आप लोगों के साथ में काफी ज्यादा शेयर किया है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. बिल्कुल अलग, डिफरेंट एंड बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत पसंद आया हमें, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. तो आप लोग वो वाला क्लिप देख के आइए. तब तक मैं हनी बनी को खिला देती हूँ, मैं भी खुद खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में. आप लोगों को क्लिप देख के आइए. सो गाइज, ये है वो अपार्टमेंट का एक लेआउट, मतलब एक फ्लैट का लेआउट. दो टाइप के लेआउट है, तो ये फर्स्ट वन है. तो एंटर करते के साथ ही ये है मेड रूम. प्रॉपर मेड रूम में वार्डरोब दिया गया है, एंड ये है सेपरेट वॉशरूम, मेड रूम के लिए अटैच्ड है. एंड देन बस एंटर करते के साथ ही मेड रूम है. देन उससे आगे जाओगे तो ये आ जाएगा, आपका हॉल आ जाएगा. ये आप देख सकते हैं, अच्छा, अच्छे साइज़ का हॉल है. यहाँ इसके अंदर जो लाइट्स लगे हैं ना, थोड़ा सा ज्वेलरी शॉप की लाइट्स लगी है शायद, इसलिए ये ऐसे थोड़ा सा ब्लर टाइप का आ रहा है. एंड ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये है पूरा टेरेस बालकनी. दैट इज़ दी मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है. मैं तो देख के ही वो हो गई. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट है पूरा. एंड यहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह सब लगे हैं, एंड ये है पूरा उसका टेरेस बालकनी. यहाँ पे जो भी लॉन्स वगैरह ये सब बिल्डिंग की तरफ से लगाए गए हैं, ट्रीज़ वगैरह मेंटेनेंस भी उन्हीं के तरफ से. तो ये प्रॉपर एक, मतलब आपका जैसे खुद का, जैसे विला टाइप का होता है ना, खुद का अपना घर जैसे होता है, उसी टाइप का ही लगेगा. एंड पूरा अच्छे से बाउंड्रीज़ बनी हुई है, प्रॉपर जैसे घर में होते हैं, तो वैसे ही अपार्टमेंट में उसी टाइप का फीलर देने की कोशिश की है. एंड ये जो गेट है, ये यहाँ से क्लोज़ हो जाता है, तो ये यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी है. ये जैसे गेट क्लोज़ हो जाएगा ना, तो ये मतलब इस गेट से लेके वो जहाँ से हमने एंटर किया, ये आपकी प्रॉपर्टी है. एंड इससे गेट के आगे जो है, ये पूरा मतलब बिल्डिंग के सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, जो कि इसमें मतलब स्विमिंग पूल वगैरह है. यहाँ पे मैं बाद में जाऊँगी, पहले मैं आपको रूम्स वगैरह दिखा देती हूँ, देन मैं आपको स्विमिंग पूल वगैरह दिखाऊंगी. तो यहाँ से देखिए, ये पूरा इतना बड़ा एरिया आपका टेरेस बालकनी है. मतलब ये देख के ही ना मन भर गया कि अच्छा, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना. तो ये जो ग्रिल लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से दूसरी तरफ को कॉमन एरिया है. एंड ये जो है आपका खुद का एरिया, यहाँ पे आप कुछ भी अपना झूला लगा सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है. एंड ये ऑलरेडी ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, पाम ट्री वगैरह सब लगे हुए हैं. तो बस अभी चलते हैं घर के अंदर. एंड ये जो ये एक एरिया है, ये दूसरे फ्लैट का कनेक्शन है. यहाँ पे भी गेट आपका लॉक हो जाएगा, तो ये दूसरे जो अलग एक फ्लैट है ना, उसका ये है मतलब टेरेस बालकनी. ये देखिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. थोड़ा सा छोटा है इस वाले से, बट फिर भी ठीक है.
तो चलिए अभी घर के अंदर चलते हैं, देन मैं आपको दिखाऊंगी कि रूम साइज़ वगैरह कैसे हैं। तो बस ये रहा हॉल, तो हॉल में ऐसे कॉमन किचन है, मतलब सॉरी ओपन किचन है, ओपन किचन है। एंड किचन में आप लोग देख सकते हो कि फ्रिज, गैस स्टोव एंड डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन सब दिया गया है। कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट इनफ है, क्योंकि बहुत सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं, बड़े बड़े साइज़ के कैबिनेट्स दिए गए हैं। तो ये किचन के साथ में अटैच्ड है लॉन्ड्री रूम, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन दिया गया है एंड लॉन्ड्री रूम भी इनफ स्पेस है कि आप अगर सेल्फ वगैरह लगा लो ना तो आप उसको स्टोर रूम एज ए स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हो। एंड वैसे भी मेड रूम में वार्डरोब है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्टोर रूम, अगर आपका कोई मेड नहीं है तो आप एज ए स्टोर रूम उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कैबिनेट्स जो बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे टाइप के, ऐसे ग्लास डोर वाले हैं, ओपन है, एंड ये काउंटर टॉप बना हुआ है जहाँ पे आप अगर चाहो तो मतलब जो आपका माइक्रोवेव वगैरह रख के अच्छे से। एंड यहाँ पे देखिए जो ड्रॉयर्स बने हैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ड्रॉयर्स है। तो बस किचन से बाहर आते के साथ ही ये है एक रूम, मतलब किड्स रूम हो गया, तो ये भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का रूम है। इसमें भी अटैच्ड वॉशरूम है, तो ये उसका वार्डरोब हो गया बड़ा साइज़ का है। तो टोटल चार वॉशरूम्स है, एक बेडरूम के साथ में, एक मास्टर बेडरूम के साथ में, एक ये किड्स रूम के साथ में एंड एक कॉमन गेस्ट वॉशरूम भी है। तो यहाँ पे वो जो स्टैंडिंग शावर वाला वॉशरूम है एंड जो मास्टर बेडरूम के साथ में है उसका जो वॉशरूम है उसमें स्टैंडिंग शावर भी है एंड बाथटब भी है। तो ये हो गया गेस्ट वॉशरूम एंड दिस इज़ दी मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में ऐसे दोनों साइड में, मतलब जैसे आप वॉशरूम में एंटर करोगे ना तो दोनों साइड में ऐसे कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे थ्री डोर एंड यहाँ पे थ्री डोर, तो टोटल सिक्स डोर वाला कैबिनेट है एंड वॉशरूम साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे जो बाथटब भी रखा हुआ है एंड ये स्टैंडिंग शावर वाला भी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। एंड ये रहा रूम, रूम साइज़ भी अच्छा है एंड रूम से ही ये बैल्कनी का, सॉरी जो हाँ जो टेरेस बैल्कनी का डोर ओपन होता है एंड जस्ट रूम के ऑपोजिट ही आपका स्विमिंग पूल है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, व्यू भी है, अब आराम से चाहो बस ये डोर ओपन करो एंड अपना स्विमिंग पूल में चले जाओ। हनी बनी तो यहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो बस ऐसे ही एंटर करोगे तो ये गेट ओपन करोगे तो आप स्विमिंग पूल में चले जाओगे। तो चलिए अभी मैं आपको स्विमिंग पूल भी दिखा देती हूँ, दो स्विमिंग पूल से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने गेट ओपन करके यहाँ पे जो कॉमन एरिया है यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी उन्होंने अच्छे से लॉन वगैरह बना लिए हैं एंड ये है किड्स वाला स्विमिंग पूल जो कि बड़ा है काफ़ी, किड्स मतलब स्विमिंग पूल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड ये है जो बड़े लोगों का स्विमिंग पूल एंड उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ को जिम है। सो चलिए गाइस आपको दूसरा और एक लेआउट दिखा देती हूँ, मतलब सेम टेरेस बालकनी के साथ में। तो एंटर करते के साथ ही ये है गेस्ट वॉशरूम एंड ये है किचन। इसका किचन मुझे उस वाले किचन से थोड़ा सा छोटा लगा बट वही सेम अप्लायंसेस दिए गए हैं, डिश वॉशर है, फ्रिज है, गैस स्टोव है, कैबिनेट्स उसके काफ़ी अच्छे बड़े बड़े साइज़ के कैबिनेट्स बने हुए हैं जो कि अच्छा है काफ़ी। एंड यहाँ पे किचन से हॉल में थोड़ा सा ओपनिंग टाइप का है इस टाइप का, जो कि अच्छा लगता है देखने में एंड हॉल साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे फॉल सीलिंग हो रखी है, तो जब भी फॉल सीलिंग होती है ना तो घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। हमारे पुराने वाले घर में ऐसे फॉल सीलिंग था तो काफ़ी अच्छा लगता था। एंड हॉल से कनेक्टेड है बालकनी, एक्चुअली तीनों रूम से ही बालकनी कनेक्टेड है। एंड ये जो पानी का ऐसे देख रहे हैं ना, ये है फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी है ये, तो यहाँ पे फ्लेमिंगो दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। एंड ये है डाउन टाउन का पूरा व्यू है। एंड यहाँ पे है किड्स रूम, किड्स रूम से भी बाहर आप बालकनी से निकल सकते हो, मतलब उसके लिए भी एंट्रेंस है बालकनी के लिए। एंड ये मास्टर बेडरूम से भी एंट्रेंस है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कवर्ड है जो कि अच्छा है। एंड ये होगा एक टेरेस बालकनी टाइप का जहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हैं एंड वो जो गेट है वहाँ पे आपका बंद है, तो दूसरे फ्लैट का वहाँ पे कनेक्शन है। दूसरा जो पहले वाला जो फ्लैट मैंने दिखाया उसमें क्या था ना, वो जो दीवार था वो पूरा क्लोज था जो कि पूरा अपने घर जैसा लगता था। ये ग्लास का दीवार जो है, उन्होंने जो वॉल बनाया है ये पूरा ग्लास का है बट उसमें पूरा अच्छे से प्रॉपर था, तो वो पूरा ये थोड़ा अपार्टमेंट टाइप का लग रहा है क्योंकि यहाँ से रोड दिख रही है, ग्लास का है तो सब कुछ दिख रहा है, बट वो पूरा जैसे विला टाइप का खुद का घर जैसा दिखता था, तो इसीलिए वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कौन सा वाला पसंद आया मुझे कमेंट करके बताना। तो यही है, ये थोड़ा सा ऐसे एल शेप में है, वो पूरा अच्छे से प्रॉपर था। तो ये हो गया हॉल, तो अभी देखते हैं रूम। रूम साइज़ ऑलमोस्ट सेम है,
तो ये हो गया हॉल। हॉल के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये लॉन्ड्री रूम है, वॉशिंग मशीन दिया गया है, सेम साइज़ का लॉन्ड्री रूम जैसे उस वाले फ्लैट में था। एंड यहाँ पे हो गया इस तरफ को इसका हो गया मेड रूम, वहाँ पे एंटर करते के साथ था, ये एंड को तरफ को आपको मेड रूम होगा। सेम ही वही मतलब आपको वार्डरोब एक दिया गया है टू डोर वाला, एंड ये हो गया मेड रूम का अटैच्ड वॉशरूम। एंड दो रूम्स भी सेम है, बस इसमें क्या है ना ये पूरा कनेक्टेड, उसमें भी कनेक्टेड था, उसमें भी आपको दिख रहा था ना कि मतलब ओपन करो तो स्विमिंग पूल एरिया में एंटर करते हो, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल वो एरिया एंट्रेंस नहीं है। तो ये हो गया एक रूम जहाँ पे एंटर करते के साथ ही वार्डरोब है, ये एक वॉशरूम है जिसमें स्टैंडिंग शावर ऑप्शन है। एंड बेडरूम का साइज़ भी अच्छा है, बस यहाँ पे यहाँ से बाहर जाओगे तो वो बालकनी का हो गया। देन हम लोग मास्टर बेडरूम में जाएंगे तो वही जैसे कि मैंने दिखाया है वहाँ से भी बालकनी से कनेक्टेड है। तो मेन अट्रैक्शन इस दो फ्लैट का बालकनी, टेरेस बालकनी ही है, इसलिए मैं ज़्यादा फ्लैट्स वगैरह मतलब रूम नहीं दिखा रही हूँ। तो ये मास्टर बेडरूम हो गया, तो सेम वही मतलब बाथटब भी है और स्टैंडिंग शावर ऑप्शन भी, दो ऑप्शंस हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बाथटब थोड़ा सा डेली उसको क्लीन करना पड़ता है ना, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ये हो गया वार्डरोब एंड इससे कनेक्टेड वो बैल्कनी, उसमें भी दोनों रूम से ही कनेक्टेड बैल्कनी थे एंड मास्टर बेडरूम से भी कनेक्टेड स्विमिंग पूल था, जो कि ज़्यादा बेटर लगा मुझे। बट ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट मुझे ज़्यादा वो वाला बेटर लगा। तो बस यहाँ से निकलते के साथ ही ये हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी अपना झूला लगा लो, कुछ भी कर लो, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जो गेट है उससे उस पार जाओगे, एंड ये देखिए ऊपर वाले जो फ्लैट्स हैं उसमें नॉर्मल बैल्कनीज हैं, जैसे ऊपर वाले फ्लैट्स हैं ना नॉर्मल बैल्कनीज हैं, बाकी यही पोडियम फ्लोर वाला जो है उसमें ऐसे टेरेस बैल्कनी दिया गया है। तो इसमें चार फ्लैट्स ऐसे हैं, बाकी सारे फ्लैट्स में ऐसे नॉर्मल बैल्कनी, बट बैल्कनी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, एंड दो दो बैल्कनीज हैं सब में। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो भी आप प्लांट्स वगैरह लगाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पाइप्स लगे हुए हैं, तो पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी जो अभी आप गमले वगैरह रखोगे उसमें खाली पानी दोगे। व्हाट इज कमिंग अगेन, इट विल कम, ये है? तो अगर यहाँ पे रहते हैं तो मतलब तो यहाँ पे अगर रहते हो तो मतलब यहाँ साइकिलिंग वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए मस्त जगह है, बस इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। पूरा कारपेट अगर बिछा दो ना जैसे हमारा बिछाया हुआ है तो बहुत खर्चा होगा इस वाले। तो गाइस देख लिया आपने घर, घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एक्चुअली। ऐसे ना बहुत सारे अपार्टमेंट्स में ऐसे पोडियम फ्लोर जो होता है, मेज़नाइन फ्लोर जो होता है, इस टाइप का टेरेस बालकनी मिल जाता है। हमारे बिल्डिंग में भी जो फर्स्ट फ्लोर में है ना उनको भी बहुत बड़ा ऐसे टेरेस बालकनी मिला है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी, बट हाँ हमारा जितना बालकनी उसका 3 गुना होगा शायद, उतना बड़ा पूरा ऐसे टेरेस बालकनी मिला है। तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स मैंने देखे कि बहुत बड़ा बड़ा एरिया ऐसे टेरेस बालकनी दे देते हैं, बट इस वाले बिल्डिंग में उन्होंने क्या किया ना पूरा अच्छे से मेंटेन किया है, लॉन बनाया है, ट्रीज लगाए, प्लांट्स लगाए, पूरा पाइप कनेक्शन दिया है, उसमें पानी आने के लिए टाइम होता है तो अपने आप पानी आ जाएगा, मेंटेन बाय बिल्डिंग है जो अच्छा है। बाकी क्लीनिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी जो भी आप रहोगे। तो ये 5th फ्लोर में है, तो जो नीचे से 4th फ्लोर तक सारा पार्किंग है, 5th फ्लोर में इस टाइप के पोडियम वाले जो टेरेस बालकनी वाले 4 फ्लैट्स हैं, 2 मैंने आपको दिखाए, बाकी 2 सेम है। एंड जिम स्विमिंग पूल उसी फ्लोर में, बाकी जो ऊपर के फ्लैट्स हैं वो सब नॉर्मल जैसे बालकनी के साथ में, जैसे हमारा फ्लैट है ना वैसे है, बट बालकनी साइज काफी बड़ा है। बाकी घर घर का साइज बिल्कुल सेम है डिटो, बट हाँ बालकनी जो है वो डिफरेंट है, मतलब बड़ा साइज है। तो सब कुछ अच्छा है, बस चैलेंजेस है उस घर में ये है कि वो सिटी के अंदर है बट उसके आजू बाजू अभी तक कोई भी बिल्डिंग बनी नहीं है, सब कंस्ट्रक्शन में है। तो मतलब तो अकेली बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे शिवा हमारे घर में मेड्स आते हैं ना, तो मेड वहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी मेड आएगा नहीं इतनी दूर से।
जैसे आपने देखा कि सारे फ्लैट्स में मेड्स रूम दिया गया है, तो जिनके घर में 24/7 मेड्स है, फुल टाइम मेड जिनके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट हमारे जैसे एक दो घंटे के लिए आते हैं ना, उनके लिए फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी लगता है कि हाँ चलो मूव कर देते हैं, अच्छा घर है, वैसे भी हमने जैसे बैल्कनी में यहाँ पे ग्रास का मैट डाला हुआ है ना, वहाँ पे डाल देंगे तो वीक में या 15 दिन में एक बार उसको उठा के झाड़ना होगा बस, और कुछ काम नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो मूव कर लेते हैं। बट फिर कभी कभी लगता है कि ऐसे घर की चकाचौंध दे के मूव तो कर जाओगे, बाद में अगर रिग्रेट करोगे फिर क्या करोगे कि हाँ काम का लोड ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चे, घर, यूट्यूब मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस वजह से भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वो सब साइड में रख दो, रेंट के ऊपर सब डिपेंड करता है। अभी तक रेंट हमें पता नहीं है, हमने ऑफिस फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि हम बताएंगे बाद में कुछ दिनों के, मैं उनको लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। नई बिल्डिंग है तो ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं, जो बैल्कनी, खाली बैल्कनी वाले, उनका प्राइस अलग होगा शायद, और इसका प्राइस शायद अलग होगा, हमें जो ऑब्वियसली मुझे लगता है अलग होगा। एनीवेज देखते हैं कैसा क्या होगा। अभी तक बहुत हम लोग बहुत कुछ में फंसे हैं कि घर मूव करेंगे नहीं करेंगे, बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ मैं शेयर तो नहीं कर सकती, बट बहुत कुछ चल रहा है ऐसे कि करें नहीं करें, वही सब सोच रहे हैं अभी क्या करना है। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ये वो सब कुछ डिपेंड है, देखते हैं जैसे जैसे होता है। फिलहाल तो हम लोग इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया की तैयारी में लगे हैं, इंडिया से वापस आने के बाद फिर देखते हैं, उसके बाद ही हमारा, इंडिया से वापस आने के 20-25 दिन बाद ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होगा। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, क्या नहीं पता नहीं कुछ भी। फिलहाल अभी मैं चाय पी लेती हूँ एंड शाम हो गई है, लाइट्स वगैरह लगा देंगे, एंड आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो बस अभी लाइट्स वगैरह, दिया वगैरह बाहर चला देंगे, पूजा करती हूँ, इवनिंग की आरती वगैरह, फिर मैं मिलती हूँ आपसे जब जीत आते फिर। Just like we got through everything else, but I see you, honey. Wow. Yeah, throw. Wow. Now, 1, 2, 3. Yes. Very nice. Now jump. Yes. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. Say happy Diwali. झाड़ू कंपटीशन है, ये देख के हो सकता है दुबई म्युनिसिपैलिटी सबको नौकरी पे रख ले। वो बताएंगे 2020-2021 से पहले एक्सपो पे उनको ये चाहिए। गाइस कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? दिवाली तो आज मनी हमारी पटाखे वाले, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मजा आया था ना, बच्चे उछल उछल के कूद कूद के चोट के और झाड़ू। पहले कितनों को याद होगा जो बंदूक वाले पटाखे आते थे उसकी जो पूरी लड़ी आती थी है ना, पहले पटाखे कम पड़ जाते थे, उसमें से एक एक निकाल के जमीन पे डाल के चप्पल से पट पट ऐसे करते करते खेलते रहते थे है ना। कल एक्चुअली सब लोग पूजा करके मतलब बाहर सब अपने अपने गेस्ट में ऐसे बिजी हो गए कि पटाखे मतलब जो भी बच्चों का फुलझड़ी वगैरह वो जलाए ही नहीं थे, तो बस आज हो गया। अभी थोड़ा सा और फुलझड़ी है बट वो सब बैल्कनी में अगर होगा तो होगा, वरना नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बात, फिर फायर अलार्म बच जाएगा। तो चलिए गाइस जीत आ गए हैं, फुल स्टॉप लगाने के लिए।
फिर से परंपरा मैंने स्टार्ट कर दी है फुल स्टॉप वाली, फुल स्टॉप ठीक है। तो हो गया है, कैसी रही आपकी दिवाली यार सीरियसली? मतलब तो आपका कल तो पूछा, तो आज वाले वीडियो में कमेंट्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। नहीं आज वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें हैप्पी दिवाली विशेष है। आपकी दिवाली कैसी रही, क्या एक्स्ट्रा किया, क्या अनोखा किया, प्लीज बताएं। अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे कमेंट्स में रिप्लाई बहुत सारों को नहीं कर पाता हूँ, कई बार मेरे को ऑफिस के बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। किसी का बर्थडे होता है, किसी कुछ होता है, कोई स्पेसिफिक कमेंट होता है, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी हम लोग हार्ट तो सेंड करते ही हैं, बट यार कोई मजेदार सा किस्सा बता ना कि दिवाली पे ये किया, दिवाली पे तो अच्छा लगता है, बड़ा कनेक्टेड लगता है। तो प्लीज बताइएगा आपने दिवाली पे क्या अनोखा किया, क्या ऊट पटांग किया, कितने लोग ऊपर चढ़ के रॉकेट चला रहे थे। वैसे इस बार दिवाली मना था ना, जो सॉरी मतलब इस बार वैसे हाँ, इस बार इंडिया में पटाखे नहीं थे ना। नहीं अच्छा है ना, पटाखे नहीं होने चाहिए। तो कितने लोगों ने कितनी रोशनियां करी अलग अलग कर दी। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसका मतलब है ना, समय समाप्ति की घोषणा ऐसा कौन बोलता है? श्री अमिताभ बच्चन केबीसी में बोलते हैं। तो देवियों सज्जनों समय समाप्ति की घोषणा है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, खैर शुभ रात्रि, टेक केयर। जबरदस्ती अमिताभ बच्चन बना हुआ हूँ, चले गए अमिताभ बच्चन से थोड़ी कम हो, हमारे घर के अमिताभ बच्चन हो, घर के अमिताभ बच्चन मतलब बना दिए रामू माली घर का अमिताभ बच्चन। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ये काम ही नहीं करता है मेरा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या पकड़ते हो दीदी हमेशा फोन, ना ये काम करती है ना इसका फोन काम करता है, कुछ भी मेरा फोन कबाड़ा हो गया, पता नहीं कब मेरा फोन दिलाएंगे मुझे। तो इसको फोन को पहले वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर, मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट करने से वो मेरा एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। होगा अपडेट नहीं होगा सर, ये मेरा बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या। चलो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थोड़ा टेक्नोलॉजी का पार्ट बता रही हूँ कुछ, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ये क्या है। तो ये है एस पेन, जो फोन वीडियो ऑन ऑफ करने में यूज होता है, जो कि अब काम नहीं कर रहा है, बंद कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा कान में ऐसे खुजा दे, काम करने लगेगा। आपके कान में ज्यादा खुजली होती है ना, आपको खुजा दूं। चले गाइस मिलते हैं आपसे, बाय। I'm just gonna